भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने भारत की रेटिंग को न्यूट्रल से अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। जेपी मॉर्गन ने भारत को न्यूट्रल से अपग्रेड कर ओवरवेट किया है। जेपी मॉर्गन की ओर से रेटिंग अपग्रेड करने के पीछे कई फैक्टर्स गिनाए गए हैं, जिनमें लोकसभा चुनावों से जुड़ी सकारात्मक माहौल, इमर्जिंग मार्केट्स, नॉमिनल जीडीपी में मजबूत ग्रोथ और बेहतर होता बॉन्ड मार्केट शामिल है। फर्म का मानना है कि इन फैक्टर्स के चलते रिस्क प्रीमियम में कमी आने की उम्मीद है। बता दें, इससे पहले मॉर्गन स्टैनली, सीएलएसए और नोमुरा जैसे दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म भी भारत को अपग्रेड कर चुके हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि ये अपग्रेड साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल दोनों तरह के फैक्टर्स पर बेस्ड है। साइक्लिकल फैक्टर्स में नियर टर्म कोरिलेशन और गिरावट में अवसर जैसे कारण है, जबकि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में मजबूत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, इंफ्रा निवेश, बेहतर बॉन्ड मार्केट जैसी वजहें शामिल है। ब्रोकरेज हाउस ने भारत को अपग्रेड करने के साथ साथ अपने ईएम मॉडल पोर्टफोलियो में तीन दिग्गज शेयर सन फार्मास्यूटिकल, बैंक ऑफ बड़ौदा और हिंदुस्तान यूनिलीवर को शामिल किया है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटीज को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिकी लॉन्ग टर्म रेट्स बढ़ते हैं और डॉलर की मजबूती विकास और दरों को प्रभावित करती है। इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटीज के लिए स्थायी बोली तभी सामने आ सकती है जब अमेरिका जीडीपी मंदी और दर में कटौती के साइकिल को पूरा कर लेगा। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस भारत पर लगातार बुलिश है। जेपी मॉर्गन से पहले हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने अर्थव्यवस्था में सुधार और अर्निंग्स ग्रोथ को देखते हुए भारत को अपग्रेड कर ओवरवेट किया था, जबकि सीएलएसए ने अपना इंडिया पोर्टफोलियो 20% बढ़ाया है। इससे पहले सितंबर में नोमुरा ने मजबूत टॉप डाउन नैरेटिव और चीन प्लस वन ट्रेड से संभावित फायदों का हवाला देते हुए भारत को अपग्रेड कर ओवरवेट किया था। जेपी मॉर्गन ने भारत के अलावा प्रीमियम तेल की कीमतों, अनिश्चितता, मजबूत डॉलर और इक्विटी बाजार की डी रेटिंग के कारण सऊदी की रेटिंग को भी ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि वो विकास की आकर्षक रफ्तार, लो इंटरेस्ट पोजिशनिंग और अनुकूल वैल्यूएशन के कारण सऊदी और भारत के अलावा ओवरवेट चीन को अपना रिस्क बजट एलोकेट करने की योजना बना रही है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।